वेलकम बैक टू माई चैनल फॉर अनादर एपिसोड ऑफ कुर्ग। आज हम पॉइंट कवर करेंगे निसर्गधाम, नैन रोलिंग मॉनेस्ट्री, एलिफेंट कैंप एंड चिकली होल रिजर्वॉयर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सस्पेंशन ब्रिज से क्रॉस करके हम अपने जर्नी की शुरुआत करते हैं। मेक श्योर टू कैरी वाटर बॉटल्स अलॉन्ग विथ यू। सो निसर्गधामा में आए हैं अभी, और निसर्गधामा में यहाँ पे शॉप्स है, काफ़ी छोटे छोटे शॉप्स, आप काफ़ी शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ पे लोकल शॉपिंग है और खाने का भी है। पीछे में मेरे पूरा लोकेशन में खाने का दिख रहा है, और हॉर्स राइडिंग है मेरे यहाँ पे। हॉर्स राइडिंग सारे मसाले है यहाँ पे, हैंडमेड चॉकलेट, रम, वोडका, विस्की, टेकिला, लीची, कैरामल, सब टाइप के चॉकलेट्स है। जोर से फूको। यहाँ पर फास्ट फूड के काफ़ी वैरायटीज अवेलेबल हैं। हमने ब्रेकफास्ट पहले ही कर लिया था, तो ये लोकेशन को हम स्किप करते हुए थोड़ा आगे जाके जैकफ्रूट ट्राई करते हैं। कैसा वाटता है? ले भारी, जाम भारी, चाणी खा ली। मस्त है, जाम भारी। नाइस। निसर्गधामा को लोकल के जरिए स्मॉल आइलैंड भी कहा जाता है। अप्रॉक्स 28 किलोमीटर मादिकरी से ये 64 एकड़ में फैला हुआ आइलैंड, जो चारों ओर हरे भरे जंगल से घिरा हुआ है। सो बेसिकली पूरा जंगल में बना है। जंगल देख सकते हैं आप पीछे में, छोटा सा इन्होंने पार्क जैसा बनाया है। अब पता नहीं कितना बड़ा है, बट आगे पता चलेगा। बट यहाँ पे काफ़ी भीड़ है, काफ़ी लोग आए हैं। आप देख सकते हैं पीछे में मेरे कितने सारे लोग हैं, और सेम बैक साइड भी। कोडावा डांस कहते हैं, ट्रेडिशनल डांस है, जो कि उन्होंने यहाँ पे दिखाया है। सो जैसे ही यहाँ पे मेल डांस फेमस है, वैसे ही फीमेल डांस भी फेमस है, जो कि कुछ ऐसे दिखता है। और यहाँ पे उसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन, कोडावा फीमेल ट्रेडिशनल डांस उम्मत आर्ट, थोड़ा बहुत ट्रेडिशनल दिखाने की कोशिश की है इस निसर्गधाम में। और जैसे 30 रुपये एंट्री है बर्ड पार्क की, बेचारे अंदर क्या करे, बाहर नहीं निकाल सकते। सो नाइस इगुआना, ये एक्चुअली मैक्सिको की ब्रीड है, और वो मैं आज में फर्स्ट टाइम हाथ में पकड़ रहा हूँ। दिस वन इज नाइस एक्सपीरियंस। हाउ आर यू बडी? पूरा फील हो रहा है इसका, पूरा जो सांस ले रहा है ना, पूरा फील हो रहा है हाथ में। ऐसा लग रहा है डायनासोर मैंने होल्ड करा है हाथ में, छोटू सा डायनासोर। टीरेक्स है क्या भाई तू? टीरेक्स? ये डक है यहाँ पे, और बहुत बड़ा ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच को भी मैं फर्स्ट टाइम पास में देख रहा हूँ। इसके अलावा आप यहाँ पर बर्ड्स के साथ फोटोज भी खिंचा सकते हो, जो कि 120 रुपीज पर पर्सन इसका फी है। और यहाँ का मेन हाईलाइट जो है वो है डियर पार्क। चलिए अब चलते हैं एक ब्यूटीफुल मॉनेस्ट्री देखने। सो हम अभी आए हैं मॉनेस्ट्री, जो कि नैन रोलिंग है इसका नाम। नैन रोलिंग मॉनेस्ट्री काफ़ी फेमस है, और ये मेरे पीछे में लिखा है इसके बारे में पूरा डिटेल्स। और यहाँ से एंट्री है पीछे में, तो हम जाने वाले हैं अभी और पूरा एक्सप्लोर करने वाले हैं अंदर का लोकेशन। इसके बारे में अगर मैं बताऊँ
अगर इसके बारे में बताओ तो ये एक गोल्डन टेम्पल है, ये इंडिया का सेकंड गोल्डन टेम्पल है, बहुत से लोगों को पता नहीं होगा। और ये मोनेस्ट्री कूर्ग में सबसे ज़्यादा फेमस हो रखा है, काफ़ी टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे अपना दर्शन देने। तो अभी अंदर से दिखाता हूँ मैं कैसा है ये, लेट्स गो। ये ब्यूटीफुल नेम रोलिंग मोनेस्ट्री कर्नाटका के मैसूर डिस्ट्रिक्ट में बायलाकुप्पे नाम की जगह पे लोकेटेड है। ये सिर्फ मोनेस्ट्री नहीं, ये यिंगमा लिनेज की सबसे बड़ी टीचिंग सेंटर है इन द वर्ल्ड। यहाँ पर तिब्बतियंस की सेकेंड लार्जेस्ट सेटलमेंट देखी जा सकती है धर्मशाला के बाद। पिनो रिनपोचे को पद्मसंभवा नाम से भी जाना जाता है और इन्होंने ही तिब्बत में बुद्धिज्म को इंट्रोड्यूस किया था। सो इस मॉनेस्ट्री की खास बात यह है यहाँ पे हम फोटोज़ और वीडियोस भी ले पाते हैं और काफ़ी पीसफुल इन्वायरमेंट है इनसाइड। ये स्टैचू बनाई गई है कॉपर प्लेटेड विद गोल्ड और इन सब की हाइट है अप्रॉक्स 60 फीट। एक सुकून भरे लोकेशन से अब चलते हैं एलिफेंट पॉइंट, इसे दोबारे एलिफेंट भी कहा जाता है। सो ये यहाँ पे एलिफेंट पॉइंट है, पीछे में आप देख पा रहे हैं कम से कम 1, 2, 3, 4, 5, 6 टोटल 6 एलिफेंट है यहाँ पे। और यहाँ पे खाना भी खिलाया जाता है 50 रुपीज़ में। सो टूरिस्ट अट्रैक्शन बना है, काफ़ी लोग आए हैं यहाँ पे मेरे पीछे में। सो मैं फर्स्ट टाइम खाना खिलाने वाला हूँ एलिफेंट को। तो पता है कि मेरा तो नहीं है। एलिफेंट को दर्शन देने के बाद अब चलते हैं हमारे लास्ट पॉइंट। अभी हम चिकनी गोल रिजर्वर में आए हैं और एक डैम है, बहुत ब्यूटीफुल नज़ारा है मेरे पीछे, जिसके पीछे ग्रीनरी। तो आई डोंट नो आपको आवाज आ रही है नहीं, बट बहुत आवाज़ चल रही है। चिकनी होल डैम 1985 में बिल्ड किया था और इसका मेन पर्पस है इरिगेशन। ये रिजर्वॉयर 865 हेक्टर जमीन में पानी पहुंचाने का पर्पस सॉल्व करता है। अब मिलते हैं अगले एंड इस सीरीज के लास्ट एपिसोड में। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब, डू लाइक एंड कीप शेयरिंग।